8 नवंबर को नोटबंदी के एक साल होने पर बीजेपी ने काला धन विरोध दिवस मनाया, तो कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियों ने इसे काले दिन के रूप में मनाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 8 नवंबर को नोटबंदी की पहली बरसी तक कह दिया। अखिलेश यादव ने 7 नवंबर की रात 8:16 पर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अर्थव्यवस्था की बदहाली, कारोबार उद्योग की बर्बादी और देशव्यापी बेरोजगारी में नोटबंदी का जश्न दुखद है। ये नोटबंदी का एक बरस नहीं बरसी है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अखिलेश के ट्वीट को गुजरात में पाटीदारों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले हार्दिक पटेल ने कॉपी कर लिया। हार्दिक ने 8 नवंबर की सुबह 10:32 पर अखिलेश का ट्वीट अपने हैंडल पर लिखा। हार्दिक को अखिलेश का ये ट्वीट हूबहू कॉपी करना भारी पड़ गया और ट्विटर पर लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। योगेन नाम के एक यूजर ने उन्हें ट्वीट चोर तक कह दिया। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।